हर बार लेवल दिखने वाला सीट का वर्क। राम भाई ने शॉप खोल दी, राम भाई ने फैक्ट्री खोल दी, राम भाई सीधा चाइना जाएंगे अब। इस साइड में 200 वाट की एलईडी लगाई है, 200 वाट की एलईडी और रिस्पांस चेक आउट कर लो भाई, ये देखो इसमें हम लगा रहे हैं एमबीएन लाइट K4 की और आगे कंपोनेंट JBL, पीछे कोएक्सियल JBL का। सीट कवर की बात करें तो भाई देखो पैटर्न जो है वही अपना ग्रैंड विटारा वाला है, बट कलर जो है वही अपना मैंगो है। सिस्टम की बात करें तो डबल नॉब लगाया है, जो ट्रेंडिंग वाला चल रहा है, जो हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। देखो यहाँ पर जो फ्रेम यूज किया है वो पियानो वाला है, साथ में आपको जो एसी वेंट अगर आप चाहो चेंज कराना तो पियानो वाले भी है, सेंटर वाले भी मिल जाता है आपको। गाइस कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ राम कार डेकोर पे राम भाई के साथ, और आज आपके सामने टोयोटा हाईराइडर। क्या क्या कर रहे हैं भाई इसके अंदर? इसके अंदर सारे काम हो रहा है, बेस टू टॉप, बेस टू टॉप ये भी है। हाँ। क्या बात है भाई, एक बार बता दो क्या क्या फ्रंट साइड में कुछ कर रहे हैं? फ्रंट साइड में 200 वाट की एलईडी लगाई है, 200 वाट की एलईडी और रिस्पांस चेक आउट कर लो भाई, ये देखो ये कोई रिस्पांस रहेगा आपका? हाई लो कर दो भाई एक बार, ये देखो भाई ये बंद चालू, ये क्या बात है भाई, तो अच्छी खासी रिस्पांस में। पहले इसमें पीला बल्ब आता है, पीला बल्ब आता है, इसको व्हाइट कर दिया ना हमने। अच्छा, और क्या क्या कर रहे हैं भाई इसके अंदर? इसके अंदर इसके बाद हमने लोवर गार्निश लगाई है, ठीक है, और इसके अंदर रिले लगा रहे हैं ऑटो फोल्ड की, ऑटो फोल्ड वाली रिले भी लगा रहे हैं। ये टोयोटा हाइड्रा है तो बाहर से ना इतनी सारी एक्सेसरीज में अच्छी भी लगती है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है ना। इसमें जो मेन काम हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई? मेन काम हो रहा है इंटीरियर, इंटीरियर क्योंकि भाई ये कुछ इंटीरियर अभी इस गाड़ी का भाई, अंदर कुछ और भी करा है हमें, डैम्पिंग वगैरह कुछ अंदर क्या कहते हैं डैम्पिंग तो नहीं, कस्मो नीड नहीं है। इसमें हम लगा रहे हैं एमबीएन लाइट K4 की और आगे कंपोनेंट JBL, पीछे कोएक्सियल JBL का। बहुत बढ़िया, अभी जो चल रहा है भाई फ्लोरिंग वगैरह कुछ करी है इसके अंदर? फ्लोरिंग हुई है ना भैया, ये वाली फ्लोरिंग है ना, फ्लोरिंग है अपनी। हाँ। और डबल नॉब सिस्टम लग रहा है इसके अंदर। और कलर कौन सा इंटीरियर का? कलर है क्या कहते हैं मैंगो कलर, मैंगो कलर, मैंगो कलर है। इसमें भाई क्रूज कंट्रोल लगा रहे हैं हम, कस्टमर मैं तो कस्टमर को बोला क्रूज कंट्रोल लगा लो, कस्टमर बोला मेरे को नीड नहीं है क्रूज कंट्रोल की, लेकिन उसके लिए भी है क्रूज कंट्रोल। टोयोटा कोई भी गाड़ी लिया हो भैया, मैंने आपने मेरे को अपने हाई राइडर में दिखा तो रखा है। सही बात है, हाई राइडर के अंदर भी आप लोग क्रूज कंट्रोल रेडी करा सकते हो। बाकी सिस्टम कौन सा लगा रहे भाई इसके अंदर? डबल नॉब वाला ना, ये देख लो भाई, ठीक है भाई, डबल नॉब वाला सिस्टम है। लेकिन वही है कि अभी यहाँ पे ना बारिश आज बहुत हुई है, बहुत हुई तो है। गाड़ी अभी थोड़ी पानी में खड़ी है आधी, अंदर चल रहा है काम, अंदर लड़के लगे हुए हैं सारा। जब ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पूरी मॉडिफिकेशन एक साथ दिखा देंगे ना, बढ़िया लाइट में आपको मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। ये लो भाई मैंगो कलर में सीट कवर चेकआउट करो, और अभी ऐसे लग रहा है ना, लगने के बाद देखना इनकी फिट एंड फिनिश आर पार दिखने वाला सीट का। राम भाई ने शॉप खोल दी, राम भाई ने फैक्ट्री खोल दी, राम भाई सीधा चाइना जाएंगे अब, चाइना से सारी चीजें इंपोर्ट करा के जोड़ते हैं। चाइना क्रूज कंट्रोल चाइना में मिलता है? नहीं मिलता, इंडिया में तो मिलता है क्रूज कंट्रोल। सही बात है, तो इंडिया में सबसे पहले बंदे ने स्टार्ट करा था ना। अब लोग कहते हैं मैंने दिखा दिया फर्स्ट टाइम इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया, अरे फर्स्ट टाइम इंडिया टैग तो पहले लग चुका है। सही बात है, नहीं टैग लग चुका है, लेकिन एक बार बताऊं तुम्हारी ही करी हुई गाड़ी में कैसे चालू हुआ ये देख करके। भैया मेरी बात सुनो, एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी भी क्रूज कंट्रोल किसी पे लगवाते हो ना, सबसे पहले पार्किंग लाइट जला के चेक करो, और उसके बाद कॉलिंग और प्लस माइनस भी चेक करना, ठीक है, मतलब ये सारे बटन चेक करो, सब वर्किंग होना चाहिए, कॉलिंग बटन खासकर चेक करो, ठीक है, और उसमें सब बटनों में लाइट जलनी चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तो भाई ये चीज करके दिखाओ। हालांकि आने वाले टाइम पे ये भी चीज होने लग जाएगी, बट फिलहाल अभी ये चीज नहीं, अभी नहीं हो रही ना, अभी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम इंडिया अपना ही है, अभी 5 मिनट लेट हुए खाली बस, इतनी ग्रैंड विटारा तैयार करते उसमें चेक कराता कॉलिंग बटन भी, पार्किंग लाइट नहीं, लास्ट वीडियोस में हम दिखा चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। मैं तो अपनी हर गाड़ी में चेक कराऊंगा भैया, कॉलिंग बटन और पार्किंग लाइट जैसे जैसे नए नए ऑप्शन आते रहेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस गाड़ी को रेडी होने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन। एंड गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी हाई राइडर, आप देखो यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, वैसे तो ब्लैक बीस्ट है तो बढ़िया लगती है ना भाई, लगती है। अब बात करते हैं भाई फ्रंट साइड में, सबसे पहले जो अपग्रेड हुई थी वो है इसकी हेडलाइट, हेडलाइट के अंदर है ना, हेडलाइट का थ्रो तो मैंने शुरू में ही दिखाया था, बट मेन जो इसका काम था वो था इसका इंटीरियर। सबसे पहले भाई एक बार हेडलाइट चेकआउट करा दो आप इसकी, हेडलाइट देखो यार, ये देखो आर पार लाइट, रात के टाइम पे आर पार लाइट, पूरा रिस्पॉन्स चेकआउट करो। कितने वाट की एलईडी बताई थी भाई आपने? 200 वाट, 200 वाट के साथ साथ जिस तरह की लाइट है उसी तरह का इसका इंटीरियर भी है। तो भाई किस कलर में आपने इंटीरियर रेडी किया इसका? क्या कहते हैं मैंगो कलर में, मैंगो कलर में इसका इंटीरियर पूरा रेडी हुआ। और इस कलर में अगर इसके आसपास भी कोई कलर होता है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। साथ में एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल करी है, जो कि कितने पीस वाली भाई? 6 पीस वाली है, 6 पीस वाली K4 सीरीज की एम्बिएंट लाइट है, जो कि आपको ऐसे कुछ रनिंग में चलती हुई नजर आती है, ठीक है। बाकी आप इसको पूरा भी लगवा सकते हो, चाहो तो इसको हाफ भी लगवा सकते हो, हाफ भी लगवा दो ऑप्शन होते हैं ना अपने पास, ऑप्शन होते हैं, पर ये थोड़ा बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ तक पूरा आ जाता है, पूरा आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसमें कैसा आता है, क्या क्या चेंज करा हमने ये बता दो थोड़ा सा। इसके अंदर हमने इसमें सॉफ्ट टच करा है, ठीक है, ये देख करो, ठीक है, सॉफ्ट टच चेकआउट कर लो भाई, ये देखो
ठीक है, पूरा सॉफ्ट टच है ना, मतलब फील आएगा अगर कोई बंदा हाथ रखेगा तो पूरा पूरा फील है, ठीक है। उसके बाद ये पहले से ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है, इसको हमने चेंज करके कुछ अपना मैंगो कलर कर दिया। लेकिन अगर कंपनी वाला कलर चाहोगे आप तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाता है। लेकिन अगर चाहो आपकी डोर पैनल चेंज करना है आप लोगों को, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली थोड़ा सा पड़ जाता है ना, तो वो चेंज भी होता है। लेकिन अगर मैं सबसे अच्छी बात करूँ ना, पूरी मार्केट में एक चीज चेकआउट कर लेना, वो है कि ये जो सिलाइयाँ होती है ना, ये आपकी प्रॉपर सीधी जानी चाहिए, ठीक है। तो राम भाई ने जो पकड़ा हुआ है ना पूरा अपना फैक्ट्री वाला, यहाँ से चेक करो ना, यहाँ ये देखो भाई पूरा प्रॉपर जैसे टॉप मॉडल के गत्ते में आता है ना, हाँ सेम वैसे स्टिचिंग करके। लोग ये बोलते हैं कि भाई स्टिचिंग पे ध्यान मत देना, बाकी हम काम परफेक्ट देते हैं, लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टिचिंग पे भी ध्यान दे देना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, काम करेंगे तो प्रॉपर करके दिखाएंगे ना। सही बात है, प्रॉपर काम होता है। तो यहाँ पर अपना जो गेट है इसका वो रेडी हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो इंटीरियर का हर एक पार्ट रेडी कर दिया भाई, स्टिचिंग अपना ठीक है, ये भी स्टिचिंग डबल है। साथ में ये वाला पार्ट भी चेकआउट कर लो भाई आप लोग, और इसका जो स्टीयरिंग है वो डुअल डबल टोन में, यहाँ चेक करो इस पे भी स्टिचिंग कर रखा हमने, ठीक है ये भी स्टिचिंग भाई, ये देखो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है अभी। तो ये सारा जो इंटीरियर है वो रेडी कर देते हैं राम भाई भी, अगर ग्रैंड विटारा या हाईराइडर कोई भी तो रेडी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद अगर सीट कवर की बात करें तो भाई देखो पैटर्न जो है वही अपना ग्रैंड विटारा वाला है, बट कलर जो है वही अपना मैंगो है, मैंगो कलर है ना। उसके बाद आर्मरेस्ट चेकआउट कर लो भाई, इसके अंदर भी आपको स्टिचिंग मिल जाएगी। स्टिचिंग का बेसिकली काम ये होता है कि सीधी सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और इसके ऊपर सॉफ्ट टच भी करा, सॉफ्ट टच भी है। तो यहाँ देख लो भाई, ये देखो यहाँ पे भी सॉफ्ट टच आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आप जब रियल टाइम में लगवाओगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भाई, ये जो इंटीरियर हम लोग रेडी करते हैं अप्रोक्स, अगर हम कुछ प्राइसिंग की बात कर सकते हैं इसमें, ये तो भैया अपने ऊपर है देखो, हाँ जैसे कपड़ा मतलब किसी भाई को सीट कवर लगवाना है, किसी को दो पार्ट लगवाना है, किसी को स्टीयरिंग के साथ सारा इंटीरियर करवाना है, सबका अलग अलग रेट है। हाँ सबका अलग अलग रेट, पर मान के चलो 15,000 से अपने स्टार्ट हो जाते हैं, 15,000 से अपना इंटीरियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग डिपेंड करता है सीट के ऊपर कितने से स्टार्ट हो जाता है, 4,000 से स्टार्ट भी हो जाता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई पीछे वाली सीट की, तो ये देखो भाई ये कुछ सीट है पीछे वाली जो कि आपको परफेक्टली मिल जाती है बढ़िया कंडीशन के अंदर। अगर आप अपने सीट कवर रेडी करवाते हो तो कुछ ऐसा अगर आपको ग्लो नहीं आ रहा तो बेकार है वो सीट कवर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सामने वाली सीटों की या पीछे वाले की, तो सब कुछ परफेक्ट फिटिंग के साथ है, फिटिंग के साथ मिलेगा, ठीक है। कुछ और भाई और क्या क्या कर रहा था इस गाड़ी में, एमबी लाइट लगाई है, ठीक है, आगे कंपनी लगाया जेबीएल के पीछे क्यूएक्सएल लगाया, अच्छा। और सिस्टम की बात करें तो डबल नॉब लगाया भी, जो डबल ट्रेंडिंग वाला चल रहा है, जो हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, स्टार्टिंग से ही जब तक भाई ने ग्रैंड विटारा है हाईराइडर रेडी करी है तो उस टाइम पर सब में डायमंड ही लगाया और लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी बड़ी है जितनी बड़ी इसका फ्रेम आता है ना, सेम उतनी बड़ी डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको जब भी आप इस गाड़ी को प्ले करते हो या देखते हो सामने से तो आपको अच्छा फील आता है, अच्छा फील आता है ना। तो एक मतलब लग्जरी वाला जो फील है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर तो वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। नीचे भैया मैट हमने इंस्टॉल करे, मैंने करे फ्लोर करा, पहले फ्लोरिंग करी है इसके अंदर, ठीक है, फिर इसके अंदर जीएफएक्स के मैट लगाए, जीएफएक्स के मैट डाले भाई, ये देख लो चेकआउट कर लो, काफी अच्छे लग रहे हैं भाई, ये बेसिकली लाइफ लॉन्ग मैट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हाईराइडर की वेलकम लाइट, ठीक है, वेलकम लाइट, एम्बिएंट लाइट। उसके बाद पूरा इंटीरियर चेकआउट कर लो, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। कुछ ऐसा इंटीरियर अगर आपको रेडी करवाना है तो भाई को आना, आप कांटेक्ट कर लेना, काफी अच्छा इंटीरियर रेडी करा। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करूँ ना भाई, देखो ये मून डिजाइन में स्टीयरिंग है, ब्लैक कलर का आपका डैशबोर्ड आता है, ब्लैक कलर भाई ने यहाँ पे टच दे दिया है मून डिजाइन में, काफी अच्छा लग रहा है, सही बात है, काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई ये वाला जो पार्ट है ये तो कंपनी का भी आता है ना, पर क्या कहते हैं मैंगो कलर में नहीं आता, मैंगो कलर भी नहीं था, सिर्फ एक ही कलर में आता है, और लोग वही कलर दिखा दिखा करके वही चेपते रहते हैं ना, दिखाओ तो नया दिखाओ ना भैया, सही बात है। तो नए टाइम पर नई चीज दिखा दी वो है मैंगो कलर, अगर किसी भाई को इस कलर में या ब्लू या रेड समथिंग जैसे भी आपका मन है सब कलर में हो जाएगा ना, मना नहीं करते क्योंकि इनके पास परफेक्ट बंदे हैं, और जो स्टिचिंग है वो भी आपकी प्रॉपर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वाले जो पार्ट है ना, इसमें बेसिकली आपका जो पार्ट होता है उसी के ऊपर ही कपड़ा चढ़ाया जाता है, चिपकाया जाता है दोनों साइडों में, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा लुक मिलता है। कंपनी भी वही काम करती है, बस कंपनी का जो लुक है वो कंपनी द्वारा मशीनों द्वारा होता है ना, तो वो सारी चीजें मशीनों द्वारा होती है, लेकिन यहाँ पे हाथ से करने के बाद भी कुछ ऐसा आपको बढ़िया सा फील दिया है, बढ़िया। साइड की बात करूँ ना भाई, देखो यहाँ पर ना भाई ने एक गार्ड भी इंस्टॉल कर दिया था, जो कि कुछ ये वाला गार्ड है, काफी ज्यादा बढ़िया रहता है आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए। और अगर मैं बात करूं गाड़ी के अंदर आकर, तो यहाँ पर भाई ये देखो, ये आपकी हाईराइडर, जो हमारे ग्रैंड विटारा वाले भाई हैं, उनको शौक ज्यादा है इन एसी बैंड को चेंज कराने का। मैंने कस्टमर को बोला था एसी बैंड ये चारों चेंज करवा लो, ये वाला पार्ट भी मैं दे रहा था इनको, ठीक है। ये 2,000 रुपए का था, मतलब चारों पार्ट, दो एसी बैंड, ये वाला एसी
और बीच वाला, ठीक है, मैं कस्टमर को दे रहा था, पर कस्टमर बोला मेरे को ब्लैक ही बढ़िया लग रहा है, ब्लैक ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैं तो कस्टमर को क्रूज कंट्रोल फिर ही लगा रहा था। अच्छा, पर कस्टमर बोला मेरे को नीड ही नहीं क्रूज कंट्रोल की। बताओ भाई, मतलब इतना सब कुछ काम हो गया इस गाड़ी के अंदर, भाई ने खुशी से बोल दिया अपनी साइड से कि भाई एक काम करो, आप ना क्रूज कंट्रोल हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा लो, क्योंकि बेस टॉप में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कह रखा है। अब भैया का कहना है कि अगले हफ्ते आऊंगा तो लगवा लूंगा, लेट हो गया हूं फलाना टिकना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई उस चीज से। आपका मन है, आपको कोई फोर्स फोर्सेबल चीज ही नहीं है कि कोई फोर्स करे आपको। आपने मेरी क्या कहते हैं हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में पहले चेक कर चुके हैं क्रूज कंट्रोल, मैं कितने लगा चुका हूं, तो मेरे को इस गाड़ी में लगाने में क्या है। इसका स्टीयरिंग चेक करो भाई, ये देखो इस साइड ना बटन नहीं है इसके अंदर, तो भाई यहाँ पे बटन भी इंस्टॉल कर देते, इवन आपका स्टीयरिंग भी चेंज कर देते, स्टीयरिंग भी चेंज, और इस गाड़ी के अंदर भी आपको क्रूज कंट्रोल का पूरा फील मिलता है। इन भैया को थोड़ा सा ज्ञान नहीं है कि क्रूज कंट्रोल कितनी बड़ी चीज है, और इन गाड़ी के लिए मतलब हर गाड़ी में अगर क्रूज कंट्रोल आए ना, मेरी गाड़ी में नहीं दे रहे, बस हर गाड़ी में जब क्रूज कंट्रोल आए ना, तो आपकी जो एवरेज है उस पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर भाई ने जो बात करी है क्रूज कंट्रोल की, अगर आपको भी ऑफर भाई दे देते हैं अपने दिल से कि भाई आप लगवा लो, बेस्ट टू टॉप कराओ ना, मैं क्रूज कंट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा क्रूज कंट्रोल के, क्या बात है। उसके बाद भाई देखो यहाँ पर जो फ्रेम यूज किया है वो पियानो वाला है, साथ में आपको जो एसी वेंट अगर आप चाहो चेंज कराना तो पियानो वाले भी है, सेंटर वाले भी मिल जाता है आपको, और ये वाला पार्ट मिल जाता है ना, कोई डिप पेंट वाला नहीं जाएगा, चेंजिंग वाला पार्ट दूंगा। आप भाई कुछ मत करो, अगर हाई राइडर की वीडियो कम दिख रही है ना आपको, आप एक काम करो ग्रैंड विटारा की वीडियो सर्च कर लो और राम भाई की बस विजिट कर लो, है ना, सारी चीजें आपको मिल जाएगी ऑन टॉप, क्योंकि देखो इंटीरियर काफी ज्यादा बढ़िया रेडी कर दिया भाई ने, ये देखो भाई क्या बात है, सारी तरफ से आर पार इंटीरियर रेडी कर दिया है, काफी अच्छा फील भी है क्योंकि ये मैंगो कलर एक अलग कलर है, जब भी गाड़ी में कोई बंदा बैठेगा तो बोलेगा भाई कुछ अलग ही दिख रहा है, तो अच्छा है। और इसके बाद हमने एक जेन्युइन यूएसबी लगाया है, ये क्या बात है, ये देखो भाई जेनुअन यूएसबी भाई ने इंस्टॉल कर दिया, जो कि काफी ज्यादा आर पार भी है भाई, सही है, अच्छी बात है कि जेनुअन यूएसबी यहाँ पे भी लग जाता है, और साथ साथ में इसका जो आर्मरेस्ट है इसके पीछे भी लग जाता है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ किसी बंदे को इसके ना सनग्लास होल्डर लगवाना है तो मैं वो भी लगा दूंगा, सनग्लास होल्डर लगने के बाद है ना इसमें सबसे पहले तो गैप चेक करना, गैप आ जाए उसके बाद इसके ना घूसा मारना, घूसे के बाद निकल जाए ना तो फ्री छोड़ दूंगा पूरी गाड़ी में, जो 50-60 का काम होता ना फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दूंगा। ये हो गया, ऊपर क्या कहते हैं मैं वो लगाऊंगा रूफ रेल, रूफ रेल कोई बंदा निकाल दिया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, उसके भी कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे मैं, क्या बात है भाई। तो यहाँ पर अगर आपको सनग्लास होल्डर चाहिए बड़ा वाला, बड़े वाला उसमें जिसमें आपका चश्मा भी रखा, चश्मा रख सकते हो तो वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हो, और गैप हल्का सा भी नहीं दिखने वाला, आप खेच लो इसको निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर आपकी जो हाई राइडर है वो पूरी की पूरी राम भाई ने रैली कर दी है। प्यार मोहब्बत दिखाए रखना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, इतना आगे पहुंचा देना कि हाई राइडर और ग्रैंड विटारा वाले भाई होते लाइन अप, है ना, लाइन अप तो देखो डेली बेसिस भाई कर रहे हो ना, मैं डेली 2-3 करता हूँ, आज भी आपके आने से पहले ग्रैंड विटारा कर रहा था, 2 ग्रैंड विटारा थी और उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी लगाया था, दोनों के अंदर पार्किंग लाइट भी चली थी और कॉलिंग बटन भी चले थे, सही बात है। तो यहाँ पर जो बटनों में लाइट होती है, इन बटनों में लाइट आनी चाहिए हमेशा जब भी आप रेडी करते हो, कॉलिंग बटन जरूर चेक करो, लाइट के साथ कॉलिंग बटन जरूर चेक करो, सही बात, क्रूज कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर भाई गाड़ी तुमने रेडी करी दी है, बात करते हैं भाई इस गाड़ी के ओनर से, उनको ये सारी चीजें कैसी लगी, बाकी गाड़ी परफेक्ट है भाई। एंड गाइस फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है, बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, कैसे हो सर? बढ़िया सर। एक बार भी अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए थे आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ, यशु नाम है मेरा। ठीक है, कैसा रहा भैया सब कुछ एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा, बस थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सारे लोग लगे रहे, चाहे रात के 1 बज गए, एक भी जना गया नहीं है। अच्छा एक बात पूछना चाहूँगा, जब आपने गाड़ी परचेज करी थी कितने दिन में गाड़ी, सेम डे मिल गई आपको गाड़ी? हाँ भैया, नेक्स्ट डे मैंने गाड़ी ले ली थी, नेक्स्ट डे मतलब बुक कब कराई थी और ली कब है? आज मतलब थर्सडे है, मैंने ट्यूजडे को बुक कराई थी और वेडनेसडे को, मतलब एक दिन पूरा लग गया था इस पूरी गाड़ी को लेने में। हाँ, अब मॉडिफाइड कराने में अगर थोड़ा सा लेट तो वो थोड़ा रात तक मिल पाई थी, नहीं तो उसी दिन मॉडिफाई करवा देते। सही बात है। तो यहाँ पर भाई आपकी गाड़ी परफेक्टली हो गई, सारी चीजें सब एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से कहीं तक हो गया जैसा चाहिए था, एकदम फिटिंग विटिंग सब। तो रिकमेंड करते हो कि आने वाले जो ग्रैंड विटारा वाले भाई है या हाई राइडर वाले भाई है, 2-4 दिन में तो मेरा भाई आ जाएगा करवाने। क्या बात है, खुद के फैमिली से ही बंदा आ जाएगा। चलो और प्राइसिंग की अगर बात करें भाई, प्राइसिंग भी है सब कुछ जेन्युइन है, वो जेन्युइन अच्छा खासा भैया डिस्काउंट दे देते हैं। क्योंकि आपने कैसे पता चला कि आपको ये भाई करते हैं, राम भाई करते हैं? भैया आप बता रहा होगे तो पता चल ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। चलो यही बात ठीक है भैया, सारी चीज़ें अपनी अपनी होती हैं। तो यहाँ पर परफेक्टली भाई की गाड़ी जो ब्लैक बीस्ट है वो रेडी हो चुकी है,
है ना। और तो इसी तरीके से भाई अगर आप लोग भी रेडी कराना चाहते हो तो आप लोग विजिट कर सकते हो राम कार डेको और राम भाई के पास। परफेक्टली इनकी तरफ से अब टाटा बाय बाय हो रहा है और करते हैं वीडियो प्लान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दूं उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिक्र का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने डमरू फाड़ा।